हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस तरीके का स्कर्ट बनाना सीखेंगे। इसके लिए मैंने 1.25 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है और इसको हम ओपन कर देंगे। इसकी विड्थ है 49.5 इंच। अब हम इसको ऊपर से इस तरीके से वन फोल्ड कर देंगे। इसकी लेंथ है करीबन 13 इंच। अब हम इसकी कटिंग करके इन दोनों पार्ट को अलग कर देंगे और यहाँ ऊपर जॉइंट वाले पार्ट को भी इस तरीके से कटिंग करके ओपन कर देंगे। अब हम इस बचे हुए कपड़े को लेंगे और इसको बीच में से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। इसकी विड्थ है 25 इंच और इसकी लेंथ है 15 इंच। अब हम यहाँ से ओपन वाले पार्ट को इस तरीके से पिन करके सिक्योर कर देंगे, फिर यहाँ पर स्टिचिंग लगा देंगे। और इस तरीके से हमने यहाँ पर स्टिचिंग कर दी है और इसको पैक कर दिया है। अब हम ऊपर की साइड बेल्ट बनाने के लिए इसको इस तरीके से एक बार वन फोल्ड कर देंगे। फिर हम यहाँ कॉर्नर से भी हाफ फोल्ड करके यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे और इसकी विड्थ करीबन 3 इंच तक रखनी है हमें। अब हम इसे पिन की हेल्प से अटैच कर देंगे पूरे को। यहाँ बीच में 1 इंच का गेप छोड़ देंगे इलास्टिक डालने के लिए, फिर पूरे में इस तरीके से पिन से सिक्योर कर देंगे। और इसी तरीके से हम बैक साइड भी पिन से इसे अटैच कर लेंगे। फिर हम बीच में यहाँ पर 1 इंच का गेप छोड़ते हुए पूरे राउंड में स्टिचिंग लगा देंगे। अब हम 1.5 इंच चौड़ा इस तरीके का इलास्टिक ले लेंगे और इसको इस सिलाई के ऊपर रखते हुए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना देंगे इस तरीके से। और इसी तरीके से हम बैक साइड भी स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब हम इस लाइन के ऊपर स्टिचिंग लगा देंगे। इस तरीके से हमने स्टिचिंग कर दी है यहाँ पर। अब हम इलास्टिक लेंगे। वेस्ट की साइज है हमारे पास 27 इंच, तो उसमें से 5 इंच हम माइनस कर देंगे और फिर हम इलास्टिक की लेंथ लेंगे। तो इलास्टिक की लेंथ हमने 22 इंच रखी है। अब हम इसको हुक की हेल्प से इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से। और इस तरीके से फैब्रिक को पीछे से खींचते हुए इलास्टिक को अंदर डाल देंगे। और इस तरीके से इलास्टिक को अंदर डालते हुए दूसरी साइड से हम इसे बाहर निकाल देंगे और यहाँ से हम इसे जॉइंट कर देंगे। यहाँ हम सिलाई कर देंगे। इस तरीके से सिलाई करने के बाद इसे थोड़ा खींचते हुए यहाँ अंदर की साइड इसे डाल देंगे। अब हम बची हुई सिलाई पर यहाँ पर पिन लगाकर इसे पैक कर देंगे और यहाँ पर सिलाई कर देंगे। इस तरीके से हमने सिलाई लगाकर इसे पैक कर दिया है। अब हम इसके नीचे का बॉटम पार्ट रेडी करेंगे जो यहाँ पर अटैच होगा। इसके लिए हम सबसे पहले 2 स्ट्रिप लेंगे जो हमने सबसे पहले कटिंग करी थी और इसको यहाँ से जॉइंट कर देंगे। सबसे पहले हम इसे पिन की हेल्प से सिक्योर कर देंगे।
फिर यहाँ पर स्टिचिंग लगा देंगे और इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी पिन की हेल्प से सिक्योर करके स्टिचिंग लगा देंगे। अब हम इसके ऊपर पट्टी फोल्ड करेंगे। इसके लिए हम इस तरीके से पीछे वाले फैब्रिक को अंदर की साइड लेंगे और अब हम इसे ज़रा सा अंदर की साइड मोड़ते हुए यहाँ पर पिन की हेल्प से इसे सिक्योर कर देंगे। और इसी तरीके से हम पूरे राउंड में करते जाएंगे। और इसी तरीके से हम पूरे में पिन की हेल्प से सिक्योर कर देंगे। इस तरीके से जरा सा अंदर की साइड मोड़ते हुए पूरे में पिन लगा देंगे और फिर हम यहाँ पर स्टिचिंग लगा देंगे। इस तरीके से मैंने पूरे में स्टिचिंग लगा दी है। अब हम यहाँ पर एक रफ स्टिच लगा देंगे जिसके लिए हम यहाँ से 1 इंच नीचे की साइड मार्क कर देंगे और 1 इंच नीचे पर ही पूरे राउंड में हमें एक रफ स्टिच लगा देनी है। और इस तरीके से हमने पूरे राउंड में एक रफ स्टिच लगा दी है इस तरीके से। अब हम इसके साइड से सिलाई में से एक धागे को पीछे की साइड इस तरीके से खींचते जाएंगे और छोटे छोटे गैदर्स बना देंगे इस तरीके से, आप देख सकते हो। और इसी तरीके से हमें पूरे राउंड में छोटे छोटे गैदर्स बना लेने हैं। और इस तरीके से हमने पूरे में छोटे छोटे गैदर्स बना लिए हैं, आप देख सकते हो। अब हम एक्स्ट्रा धागे की कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको ऊपर वाले पार्ट से अटैच कर लेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले इस जॉइंट वाले पार्ट से इसके ऊपर रखेंगे, करीबन इसको 1/2 इंच तक इसके ऊपर रख देना है और यहाँ पर पिन की हेल्प से इसे अटैच कर लेना है। और इसी तरीके से हमें बॉटम पार्ट को अपर पार्ट से इस तरीके से अटैच कर लेना है। और इस तरीके से हमने पिन की हेल्प से इसे अटैच कर लिया है। अब हम इसके ऊपर स्टिचिंग लगा देंगे और इस तरीके से मैंने यहाँ पर स्टिचिंग करके इसको जॉइंट कर लिया है। अब हम इसके नीचे पट्टी फोल्ड करेंगे। इसके लिए हम यहाँ बॉटम में इसको सबसे पहले अलग कर देंगे और यहाँ कॉर्नर से 1/2 इंच के करीबन इसको अंदर की साइड मोड़ते हुए यहाँ पर एक स्टिचिंग लगा देंगे। इस तरीके से हमें पूरे राउंड में 1/2 इंच अंदर की साइड मोड़ते हुए इसके ऊपर स्टिचिंग लगा देनी है। और इस तरीके से हमने बॉटम में पूरे में स्टिचिंग लगाकर इसको रेडी कर लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।